आसान होगी। कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल कर देखे, शायद डगर चले हो, कुछ दूर चल के देखे। साथियों कुछ तुम चले कुछ हम चले, अर्बुद टैलेंट की मांग को लेकर दिल्ली में कुछ किया जाए और एक बहुत बड़ा आंदोलन करके राज को आवाज मनवाने का काम किया जाए। गरीबी और बेरोजगारी में विकसित बुद्धालैंड राज्य का निर्माण, और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए लिखा है सीमा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा सीमांत जिलाधिकारी गोरखपुर विषय है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को बुद्धालैंड के नाम से अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग, और इस मांग को लेकर चल रहे जन आंदोलनों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही के संबंध में। महोदय जैसा कि विदित है उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक विशाल राज्य है, 29,04,411 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 22 करोड़ की आबादी के साथ भारत की जनसंख्या का 16% और भारत के कुल भूभाग का 9% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में है। यह जनसंख्या कर्नाटक केरल और आंध्र प्रदेश के सम्मिलित जनसंख्या के लगभग बराबर है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक संघ गणराज्य में उत्तर प्रदेश इतनी विशाल जनसंख्या वाला कोई प्रदेश नहीं है। न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट, राज्य सरकार का मुख्यालय और राज्य लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं
प्रदेश के अनेक स्थानों से 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। इससे प्रदेश के निवासियों को प्रदेश की प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचने में अत्यधिक कठिनाई होती है और अधिकांश जनसंख्या इसके उपयोग से वंचित रहती है। इस प्रकार प्रदेश का विशाल आकार प्रशासनिक दृष्टि से कुशासन और भ्रष्टाचार पैदा करता है। सरकार जनता से संपर्क लगातार कम होता रहता है। देश के बाहर और भीतर दोनों ही अनुभव दर्शाते हैं कि सामान्यतः छोटी प्रशासनिक इकाइयों में लोकतंत्र अधिक सफल है और इसका लाभ भी लोगों तक पहुंच पाता है। महोदय, प्रदेश का तीव्र एवं संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास न होने के कारण उत्तर प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। इस विशाल प्रदेश के विभिन्न भागों के क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं की समझ न रखने के कारण प्रशासन की व्यवस्था और योजना पूर्ण रूप से असफल रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में मिट्टी की किस्म, जलवायु, संरचनात्मक और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, जनसंख्या का घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक क्षेत्र का विकास आदि महत्वपूर्ण भिन्नताओं को समझने की गंभीर आवश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए विशिष्ट और जन आधारित नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है। महोदय, उत्तर प्रदेश यदि एक अलग देश होता तो विश्व का सातवां सबसे बड़ा प्रदेश होता। आबादी की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देश के विशालतम प्रदेश का संचालन लखनऊ से करना संभव नहीं है और न ही राष्ट्र हित में है। यह सिद्ध हो चुका है कि एक मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अधिकारियों के नाम याद रखना कठिन तो है ही, साथ ही उनका जिलेवार निरीक्षण भी असंभव है। उपरोक्त बातें साबित करती है उत्तर प्रदेश में छोटे राज्यों के निर्माण की महती आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया जा चुका है। महोदय, उत्तर प्रदेश में छोटे राज्यों के निर्माण हेतु जन आंदोलन के क्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पटना, कुशीनगर, संतकबीरनगर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर पूर्वांचल सेना वर्ष 2006 से संघर्षरत है। प्रदेश में सत्ता के विकेंद्रीकरण, समाज के अंतिम नागरिक तक शासन सत्ता की पहुंच, शिक्षा, रोजगार और मानवीय संसाधनों की प्राप्ति हेतु सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर पूर्वांचल सेना का संघर्ष सड़क पर है। पूरी उत्तर प्रदेश के इन 27 जिलों में तथागत बुद्ध की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक साथियों व जनमानस में बुद्ध की भावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को बुद्धालय निर्माण से अलग राज्य दिलाने का दर्जा दिलाने जाने का मांग किया जा रहा है। बुद्धालय निर्माण से राज्य का गठन का मकसद इस क्षेत्र के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के साथ साथ विकास की राह से भटक चुके इस क्षेत्र को इसकी मुख्य धारा में वापस लाकर इसे विश्व फलक पर स्थापित करना है। महोदय, 22 करोड़ की भारी भरकम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुख्यालयों की दूरी और सत्ता का केंद्र लखनऊ में केंद्रीकरण ने उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में भयंकर बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रतिभा पलायन, जातिवाद और धार्मिक हिंसा, इंसेफेलाइटिस जैसी महामारी आदि समस्याओं का गढ़ बना दिया है। जबकि यह क्षेत्र पूरे देश ही नहीं एशिया महाद्वीप को गौरवान्वित करने वाला क्षेत्र रहा है। बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में गणतंत्र के रूप में दुनिया को लोकतंत्र की अवधारणा प्रदान करने वाला है। इस क्षेत्र से निकले बुद्ध के संदेश ने पूरी दुनिया को मानवता, भाईचारा और बराबरी की शिक्षा दी है, जिसकी जरूरत आज पूरे देश को है। और यहाँ पर बुद्ध की बची हुई थातियां अकेले इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है, जिससे क्षेत्र का विकास का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में नए राज्य के गठन को लेकर के पूर्वांचल सेना सन 2006 से संघर्ष करते हुए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकारों को ज्ञापन और मांग पत्र भेजती चली आ रही है, जो अब भी जारी है, लेकिन इस हमारी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। महोदय, इसको लेकर क्षेत्र के करोड़ निवासियों में धीरे धीरे होश उत्पन्न हो रहा है। बुद्धालैंड राज को लेकर चल रहा जन आंदोलन की अनदेखी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अतः आप महोदय से उपरोक्त क्रम में विनम्र अनुरोध है कि व्यापक जनहित में उत्तर प्रदेश का छोटे राज्यों का सृजन करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ जनमानस के भविष्य बुद्धालैंड राज के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। हम सभी बुद्धालैंड राज आंदोलनकारी पूर्वांचल के 27 जिलों के प्रतिनिधि आपके सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। हेलो, मीडिया को जगह दीजिए पहले। मीडिया सर, अभी हम लोग यहाँ खाना मंगा रहे थे। जी
व्यक्तिगत रूप से बात करिए और किसी तरह का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए।